शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे पर लगा कुहासा छटने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को विभागों के बंटवारे के संकेत दिए हैं। सीएम ने कहा कि विभागों का बंटवारा कल कर दूंगा। सूत्रों की माने तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। दरअसल आज शुक्रवार को ग्वालियर के एक दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में जब मीडिया ने उनसे विभागों के बंटवारे को लेकर सवाल किया तो सीएम ने कहा कि विभागों का बंटवारा मेरा काम है, लेकिन आज मैं ग्वालियर में हूँ और कह देता हूँ कि कल बंटवारा कर दूंगा। मुख्यमंत्री के इतना कहते ही वहाँ मौजूद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मंत्री इमरती देवी, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, राज्य मंत्री भारत सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि खिलखिलाकर हंस गए। हालांकि इस तरह का बयान शिवराज पहले भी दे चुके हैं, लेकिन किसी न किसी कारण के चलते बंटवारे का मामला टलता आ रहा है। लेकिन दिल्ली से सहमति और आज ग्वालियर में दिए गए बयान के बाद संकेत मिल रहे हैं कि कल विभागों का बंटवारा हो सकता है। अब देखना है कि रविवार को विभागों का बंटवारा होता है या नहीं। अगर होता है तो सिंधिया समर्थकों को कौन कौन से विभाग मिलते हैं, यह देखने वाली बात होगी। उन्हें तर्कस के लिए ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट। डिस्ट्रीब्यूशन में विलम्ब क्यों हो रहा है? मेरा काम है। आज आज ग्वालियर में कह रहा हूँ, कह दूँ कल कर दूंगा।